तो आज का क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है, ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो है कि हमें यहाँ कुछ नहीं एडिशन सीखना है। बहुत एडिशन सीखे हैं ना बचपन से अभी तक, आज कुछ अलग तरीके का एडिशन सीखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी को ऐड करना है इस तरीके से कि जो रिजल्ट आए वो ए बी सी के बराबर हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सोचना है, इस तरीके का सवाल अगर आता है तो कैसे हमें सोचना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये कैसे क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है अगर यही नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये आना चाहिए कि कहाँ से हमें क्वेश्चन का जो वीकेस्ट पॉइंट है उस चीज़ को पहले पकड़िए, ठीक है। अगर एक बार उस चीज़ को आप पकड़ लिए ना तो आप करेक्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का वीक पॉइंट जो है वो है ये पार्ट। अब ये पार्ट वीक पॉइंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब ए बी और सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा एंड लेस देन इक्वल टू नाइन होगा, करेक्ट। टेन इलेवन तो हो नहीं सकता है, ओके तो अब देखिए ए बी ए सी अगर जीरो से नाइन तक है तो ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम सम क्या होगा। अगर हम तीनों को नाइन 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 ले लें, ए बी सी तीनों को अगर नाइन 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 ले लें तो मैक्सिमम सम क्या आएगा, 27। मतलब ए जो होगा मैक्सिमम कैरी जो मिलेगा, 27 आने का मतलब क्या होता है, 7 लिख करके हम कैरी ले लेते हैं दो। तो अगर हम यहाँ पे 27 लिखते हैं तो मैक्सिमम ए का मैक्सिमम वैल्यू जो क्या होगा, दो होगा, करेक्ट। और अगर हम ए बी सी का मिनिमम वैल्यू अगर लेते हैं तो ए बी सी जैसे 0 0 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0। तो 0 तो ए हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो कैरी एक आएगा या तो कैरी दो आएगा, मतलब अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम 1 + 2 + 7 लेते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। मतलब मिनिमम ए का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमें दो केस मिला, केस 1 क्या है, ए इक्वल्स टू 1। अगर हम a को 1 लेते हैं तो अब चलिए इसमें आते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी कितना है, c है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, c है। अब ये एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी c नहीं है, लास्ट डिजिट जो इस तीनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो c है, ठीक है। इसका सम c और कुछ कैरी भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि कैरी नहीं भी आया यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 9 9 9 लेते हैं तो क्या आएगा, 27 आएगा, मतलब c जो है वो 7 है, तो दो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इसका मतलब कि c c कैंसिल कर देंगे हम तो हमें a प्लस बी जो होगा वो एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर c और c को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी हमें एक नंबर मिलेगा जो कि एंडिंग विथ 0 होगा, ना कि 0 होगा, एंडिंग विथ 0 होगा, ठीक है। तो एंडिंग विथ 0 अगर हम a को 1 लेते हैं तो 1 + b = नंबर एंडिंग विथ 0, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से हमें क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि b जो है वो 9 होगा, ठीक है। अगर 1 + b एक नंबर है जो कि एंडिंग विथ 0 है तो b का मतलब क्या होगा, b का वैल्यू जो होगा वो 9 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकता है, 9 से ऊपर ले नहीं सकते हैं हम, तो 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा, मतलब ये दोनों का सम यहाँ पे 10 होगा। तो एक नंबर यहाँ पे आ रहा है जो कि एंडिंग विथ 0 है, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू 1 लेने पे b का वैल्यू हमें 9 मिला, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 11 + 99 + cc = a = 1 b = 9, so 1 9 c, ठीक है।
ये एक केस मिला, अब यहाँ से हमें सी का वैल्यू निकालना है। दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस है केस टू, जिसमें ए इक्वल्स टू टू हो, केस टू वेयर ए इज इक्वल टू टू। तो अगर ए टू होगा इसका मतलब टू प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी, सो टू प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट। और सी सी अगर हम कैंसिल हटाते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा, टू प्लस बी इक्वल्स टू अ नंबर एंडिंग विथ जीरो, मतलब टेन होगा। बी तो माइनस टू हो नहीं सकता है क्योंकि बी एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब बी कितना होगा, आठ होगा। सो दो प्लस आठ कितना होता है, दस होता है, इट मीन्स यहाँ से बी कितना मिलेगा हमें, आठ। तो अगर ए टू है तो बी कितना मिल रहा है, आठ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस 88, 22 प्लस 88 प्लस सी सी इज इक्वल टू 28C, 28C। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 8 प्लस सी, ये नंबर 2 प्लस 8 प्लस सी प्लस कुछ यहाँ से कैरी आएगा, यहाँ से इस तीनों को सम करने के बाद हम लोग लास्ट डिजिट लिखेंगे और कैरी ऐड करते हैं यहाँ पे, तो प्लस सम कैरी कितने के बराबर होना चाहिए, 28 के बराबर होना चाहिए। अब बताइए पॉसिबल है क्या, कैरी यहाँ से कितना आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। तो अगर हम कैरी 2 भी ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस सी इज इक्वल टू 28, बट सी का मैक्सिमम वैल्यू तो 9 ही हो सकता है, तो 12 प्लस 9 कितना होता है, 21, 28 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ से सी का वैल्यू जो आ रहा है वो 16 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स केस टू जो है वो गलत है, मतलब ए का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, समझ में आया। अब चलिए केस वन में आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हमें मिलता है कि 1 प्लस 9 प्लस सी कितना होना चाहिए, 1 प्लस 9 प्लस सी, 1 प्लस 9 प्लस सी प्लस इस तीनों को ऐड करने के बाद सी आएगा लास्ट डिजिट, और कुछ कैरी भी आ सकता है, तो चलिए प्लस कैरी लिख सक देते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू हाउ मच, 19 होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस 9 प्लस सी इक्वल्स टू सी है ना, एंडिंग विथ सी, 1 प्लस 9 प्लस सी इज इक्वल टू सी, मीन्स एक नंबर जो है वो एंडिंग विथ सी है, सी का मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 9 कितना होता है, 10 प्लस सी इज इक्वल टू सी, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि सी का हम जो वैल्यू लेंगे ऐड करने के बाद लास्ट डिजिट वही आएगा, बट एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ से कि सी का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, तो 10 प्लस 9 इज 19, सो अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो मैक्सिमम कैरी इस तरफ कितना आएगा, 1, मैक्सिमम कैरी कितना आएगा, 1, और मिनिमम कैरी भी 1 आएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे 9 प्लस 1 10 हो गया, जैसे ही 10 हुआ तो एक कैरी ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा, करेक्ट। सी का वैल्यू 0 भी होता है फिर भी एक कैरी आएगा, मतलब मिनिमम कैरी और मैक्सिमम कैरी जो इस तरफ आएगा, ये वैल्यू जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर ये 1 है तो क्या मिलेगा हमें, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, 19, 11 प्लस सी इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से सी क्या मिलेगा हमें, 19 माइनस 11, सो सी इक्वल टू 8। इसका मतलब हमें मिल गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 9 एंड सी इक्वल टू 8, ये हमारा सोल्यूशन है, समझ में आया। अब चलिए चेक करके देख लेते हैं, तो ऐड करके देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 11 प्लस 99 प्लस 88, ऐड करके देखिए, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, कैरी 1, 1 प्लस 1 कैरी 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 8 19, 198। अब देखिए मिलाइए, a इक्वल्स टू 1 करेक्ट, b इक्वल्स टू 9 करेक्ट, सी इक्वल्स टू 8 करेक्ट, समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर फोकस नहीं कीजिएगा, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं और है तो आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देखिए, अच्छे से देखिए,
फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको समझ में ज़रूर आएगा कि कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय।